नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल tutor.com पर स्वागत है। आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था और अब तक आप ग्राफ के बारे में जान चुके होंगे। अगर आपको नहीं आइडिया हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरी ग्राफ के बारे में वीडियो देखें ताकि आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और स्लोप के बारे में पता लग सके। तो मेरा वेलोसिटी आएगा वाई एक्सिस पे, टाइम आएगा एक्स एक्सिस पे। यहाँ देखिए मेरा वेलोसिटी फिक्स 30 पर चल रहा है, इसका मतलब वो एक कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंटली मूव कर रहा है जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है 5 सेकंड से। तो अब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं एक्स एक्सिस बनाऊंगी वाई एक्सिस, ओरिजिनल पॉइंट ओ। एक्स एक्सिस पे मेरा टाइम आएगा इन सेकेंड, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी आएगी इन मीटर पर सेकेंड। अब मैं स्केलिंग करूंगी, टाइम की जो एक्स एक्सिस की है वो आएगी 5 सेकंड्स के गैप पे, 0, 5, 10, 15, 20। 0 ऑलरेडी मेंशनड है, एक बार स्केल मेंशन कर देते हैं। तो स्केल हमारा एक्स एक्सिस पे है 1 यूनिट 5 सेकंड्स की। अब वाई एक्सिस पे पहले बना लेते हैं, क्योंकि 30 है तो मैं 10-10 का इंटरवल लेके 10, 20, 30 बना सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी 10, 20 और 30। अब मैं 30 पे वाई एक्सिस पे मेरा हर एक 10 मीटर पर सेकंड का आ रहा है इंटरवल जो है यूनिट। अब मैं प्लॉट करना स्टार्ट करूंगी। तो 0 पे 30 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 30 है, देन फाइनल उसकी सेकंड वाली 5 सेकंड्स पे 30 है, फिर 10 सेकंड्स पे 30 है, फिर 15 पर भी 30 है, फिर 20 पर भी 30 है। और इन सब पॉइंट्स को बनाने के बाद मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने स्लोप निकाला था, इसमें पहले हम एक बार एरिया निकालते हैं। तो नीचे परपेंडिकुलर बनाए, इसको नेम दिया ए बी सी डी। अब हम इस रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया निकालेंगे और बताएंगे एरिया होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको वही ग्राफ दिख रहा है जो हमने वहां बनाया था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए बी टाइम्स बी सी। तो ए बी है हमारा 5 सेकंड्स और बी सी है हमारा 30 सेकंड्स, तो ये आया 150। अब यूनिट देखते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड्स में है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स जो है वो इस सेकंड से एक दूसरे को काटेगा और हमारे पास मीटर आएगा। मीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। वेलोसिटी से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम गिव्स अस वेलोसिटी। सो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। अब एक अगला करते हैं। यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट थी 30, अब अगर फिक्स इंटरवल में बढ़ रही हो वो देखते हैं। तो यहाँ मेरी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड से फिक्स इंटरवल में बढ़ रही है, और तो हम कहेंगे कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम मोशन हुआ और टाइम इंटरवल भी मेरा रेगुलर इंटरवल में बढ़ रहा है विच इज ऑफ 5 सेकंड्स। सो आई ड्रॉ द एक्स वाई ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन पॉइंट। ग्राफ थोड़ा कट रहा है, मैं आपको इसको वापस जब हम स्लाइड करेंगे आपको दिख जाएगा। एक्स पर टाइम सेकंड्स में लिखा, वाई पर मैंने वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लिखा, उसके बाद मैं एक्स एक्सिस पे हर 5 सेकंड्स के डिफरेंस पे एक स्केलिंग करूंगी। तो मेरे पास आएगा 5, 10, 15 और 20। स्केलिंग देख लेते हैं। स्केल एक्स एक्सिस का हमारे पास 1 यूनिट है 5 सेकंड्स का। y एक्सिस पे हमारी वेलोसिटी है, यहाँ पे हम 9 मीटर पर सेकंड के इंटरवल्स पे कर देंगे तो आएगा 9, 18, 27, 36। सो 9, 18, 27 एंड 36। स्केल से करिएगा, प्रॉपर डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए वरना आपका स्लोप सही नहीं निकलेगा अगर आप ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे तो। अब हमारा 9 मीटर पर सेकंड हमारा जो यूनिट आया 1 यूनिट वो है। अब मैं प्लॉटिंग करूंगी 0 पे 0, 5x एक्सिस y 9 एक्सिस, 10x एक्सिस, 18y एक्सिस, 15x एक्सिस, 27y एक्सिस एंड 20x एक्सिस एंड 36y एक्सिस। इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और नीचे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे ताकि अब हम इसका एरिया निकालेंगे। तो इसमें एक रेक्टेंगल भी है और एक ट्रायंगल भी है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। ए बी सी डी और ई। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा कि ये ग्राफ कैसे दिख रहा है, इसका हम एरिया निकालेंगे पहले। तो देखिए ये मेरा ग्राफ जो है वो ऐसे दिख रहा है, इसमें मेरा एक ट्रायंगल है और मेरा एक रेक्टेंगल है। इसको हम ट्रेपेजियम की तरह भी निकाल सकते हैं। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है
sum of the palisades multiplied by the distance between the two palisades divided by 2. यहाँ पे मैं sum of this triangle plus this rectangle करूँगी, so sum of this triangle would be half times base, base हुआ BE, times height that is AB, तो AB मेरा आता है 9 meters, BE है 5 meters, so यहाँ से मुझे half into base into altitude से मिलेगा 22.5 meter, because area under the graph gives us the displacement. अब इस रेक्टेंगल को लेंगे, रेक्टेंगल होगा EB, मैं एक बार पॉइंटर ले लेती हूँ सो दैट इट्स क्लियर टू यू. सो BE मल्टीप्लाइड बाय BC, सो BE हियर इज 5 सेकंड्स एंड BC इज 27 मीटर पर सेकंड, सो प्रोडक्ट ऑफ दिस प्लस 22.5 मीटर विल गिव मी द नेट डिस्प्लेसमेंट और एरिया अंडर द ग्राफ और द डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल 15 टू 20 सेकंड्स. अब अगर मुझे यहाँ पे स्लोप निकालना होता, इट वुड हैव बीन AB डिवाइडेड बाय BE, सो AB इज 9, BE इज 5, सो द आंसर इज 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हिच इज एक्चुअली एक्सेलरेशन. सो एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव मी द डिस्प्लेसमेंट एंड द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव मी एन एक्सेलरेशन. नाउ दिस इज द केस इफ this straight line is if I have equal velocity. If the velocity was not equal, I'll have a graph of a non-uniform acceleration as could be seen, and the graph would look like this or like this, a zigzag line. It could be a curve line going up, it could be a curve line going down as well. Let's have a look. So for constant speed, I have a straight line which is parallel to x-axis, since the velocity value will not change over time. For uniform acceleration, meri jo ye unit hai, ye graph hai, ye mera straight line hoga. Aur for non-uniform acceleration, ya to ye curved ho sakta hai, ya ye aisa ho sakta hai, ya ye zigzag ho sakta hai, kuch bhi. आशा करती हूँ आपको इतना समझ आया होगा. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सीधी या तिरछी दोनों में से जा सकती है. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक कर्व ग्राफ होता है ऊपर या नीचे जाता हुआ. कॉन्स्टेंट स्पीड एक कॉन्स्टेंट स्पीड होती है. थैंक यू सो मच. प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड यू कुड ऑल्सो वॉच आवर अदर वीडियोज. एंड प्लीज डू इवेल्युएट योर सेल्फ बाई टेकिंग द टेस्ट ऑन आवर साइट www.tutorial.com एंड डू लॉग इन. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.